गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 12 मनी। आज हम चैप्टर 12 मनी पढ़ेंगे। वी यूज़ मनी टू बाई थिंग्स वी नीड। हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वी यूज़ कॉइन्स ऑफ द फॉलोइंग डिनोमिनेशंस। कॉइन्स हमको मिलते हैं 50 पैसे का, 1 रुपी का, 2 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का और 10 रुपीज़ का। और नोट्स होते हैं हमारे 5 रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के, 20 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के, 100 रुपीज़ के, 200 रुपीज़ के और 500 रुपीज़ के। जो भी नोट्स और कॉइन्स हम यूज़ करते हैं उसको हम करेंसी कहते हैं। और रुपीज़ का सिंबल बनाने के लिए हमको हिंदी में रा बनाना होता है और उसको बीच में से क्रॉस करना होता है। और पैसे के लिए हम पी का यूज़ करते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर है, काउंट द मनी। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इस एक्सरसाइज में आपको रुपीज़ और पैसे बने हुए हैं, इनको आपको काउंट करना है। टोटल कितना मनी है एक बॉक्स में वो आपको ब्लैंक में लिखना है। फर्स्ट है 10 रुपीज़ का नोट, 5 रुपीज़ का नोट, 2 रुपीज़ का नोट और 1 रुपीज़ का नोट। 10 और 5 15, 16, 17 और 1 18। यहाँ इस बॉक्स में हमारे पास है 18 रुपीज़। अब है सेकंड बॉक्स, 5 रुपीज़ प्लस 1 रुपी, 6 रुपीज़ प्लस 50 50 पैसे के 2 कॉइन्स हैं। तो 50 50 पैसे के 2 कॉइन्स इज इक्वल टू होते हैं 1 रुपी। तो यहाँ पर हमारे पास है 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। ये हमारे पास आ रहा है 7 रुपीज़। इसके बाद हमारा थर्ड है, 50 रुपीज़ का नोट है, फिर दूसरा भी 50 रुपीज़ का नोट है और 10 रुपीज़ का नोट है और 5 रुपीज़ का कॉइन है। तो 50 50 रुपीज़ ऐड किए हमने, 100 रुपीज़ हुए, प्लस 10 रुपीज़ 110 रुपीज़ और प्लस 5 रुपीज़ 115 रुपीज़ हुआ। फोर्थ बॉक्स है 100 प्लस 100 200 प्लस 50 250 प्लस 20 270 रुपीज़। इसके बाद है हमारा 500 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़, 600 रुपीज़ हुआ यहाँ पर। इसके बाद 620 प्लस 10 630 और 1 631 रुपीज़। इसके बाद लास्ट है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ और 50 रुपीज़ ऐड किए तो 250 रुपीज़ हुए। 5 रुपीज़ का कॉइन ऐड किया, 255 प्लस 255 में हम 2 ऐड और करेंगे, 2 रुपीज़ और ऐड करेंगे तो 257 हो जाएगा। 100 प्लस 100 200, 250 प्लस 5 255 और 255 में 2 और ऐड किया हमने तो 257 हुआ। इसके बाद है हमारा, मनी कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। यहाँ पर हमको रुपीज़ और पैसे के बारे में बताया जा रहा है। जो मनी होता है वो रुपीज़ और पैसे का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल दिया गया है, 10 रुपीज़ का नोट बना हुआ है और 50 पैसे का कॉइन बना हुआ है। तो इसको जब हम लिखेंगे, वी रीड इट एज 10 रुपीज़ 50 पैसे। तो इसको लिखने के लिए पहले हम रुपीज़ का सिंबल बनाएंगे, फिर जितने हमारे पास रुपीज़ हैं उतने रुपीज़ लिखेंगे, इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद जितने हमारे पास पैसे हैं वो लिखे जाएंगे। पॉइंट के बाद पैसे लिखे जाते हैं। सेकंड एग्जांपल में 10 रुपीज़ का नोट है, 5 रुपीज़ का कॉइन है और 50 पैसे का कॉइन है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, पहले तो इसको ऐड करेंगे, 10 प्लस 5 15। 15 रुपीज़ 50 पैसे हैं हमारे पास यहाँ पर, तो इसको हम लिखेंगे रुपीज़ का सिंबल लगाकर 15 रुपीज़ और पैसे कितने हमारे पास 50। तो पॉइंट लगाकर हम लिखेंगे 50। अब एक्सरसाइज में हमको पैसे और कॉइन्स और रुपीज़ नोट्स एक साथ दिए गए हैं तो उनको हमको लिखना है। फर्स्ट सॉल्व किया गया है, फर्स्ट में 5 रुपीज़ का नोट है, 1 रुपी का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है। तो रुपीज़ टोटल कितने हो गए, 5 प्लस 1 6, 6 रुपीज़ 50 पैसे। सेकेंड है हमारा, 10 रुपीज़ का नोट है, 5 रुपीज़ का नोट है और 2 रुपीज़ का कॉइन है।
तो इनको सबको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 प्लस 5 15 16 और 17। टोटल हमारे पास यहाँ पर हैं 17 रुपीज़। इसके बाद यहाँ पर है 50 रुपीज़ का नोट, 10 रुपीज़ का नोट और 50 पैसे का कॉइन। तो रुपीज़ टोटल कितने हुए हमारे पास, 60। तो यहाँ हम लिखेंगे रुपीज़ 60 और इसके बाद पैसे लिखने के लिए पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद पैसे हमारे पास सिर्फ 50 पैसे हैं, तो यहाँ हम 50 लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 60 रुपीज़ 50 पैसे। इसके बाद यहाँ पर है 100 रुपीज़ का नोट, 100 रुपीज़ का नोट और 20 रुपीज़ का नोट। टोटल ये हमारे पास रुपीज़ हो गए 220। तो यहाँ हम लिखेंगे रुपीज़ 220 और यहाँ हम लिखेंगे 220 रुपीज़। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये एक्सरसाइज 1 एंड 2 आपको आज होमवर्क में करनी है।